अच्छा, हम जेनेटिक्स के या इनहेरिटेंस के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इन्होंने ये बताया हुआ है, जेनेटिक्स वगैरह की डेफिनेशन बताई है, पर मैं आपको पहले जीन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जीन होता क्या है। जीन और अलील, ये मैं चीज़ें आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। देखिए, जीन को आपने पहले पढ़ा तो होगा कि हम बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कह रहे होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपने 9 मैट्रिक में पढ़ी होगी, याद की होगी, मगर इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास जो क्रोमोजोम्स होते हैं, अगर मिसाल के तौर पर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के ऊपर ऐसी जीन्स लगी होती हैं, ठीक है, ऐसी जीन्स लगी हुई हैं। तो मिसाल के तौर पर यह हेयर कलर की जीन है, ये आई कलर की जीन है, ये हाइट की जीन है, ठीक है। तो ये पूरा क्रोमोसोम जो है ये जीन नहीं है, क्रोमोसोम के अंदर कुछ यूनिट्स हैं, जैसे एक ये यूनिट हो गया, एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है, तो कुछ यूनिट हैं जो कि हमारे करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको हम जीन कह रहे हैं। एक तरह से हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कैसे डिफाइन करेंगे, क्रोमोसोम है ये, तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। आपको बताया डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड में डीएनए बना देता हूँ। डीएनए के कुछ हिस्सों पर, जैसे ये एक हिस्सा है, ये कंट्रोल कर रहा है हेयर कलर को, ये एक हिस्सा है ये कंट्रोल कर रहा है आई कलर को, ये एक हिस्सा है ये कंट्रोल कर रहा है हेयर कलर हाइट को। तो क्या होगा कि अब आप अगर गौर करें कि डीएनए के भी कुछ हिस्से हैं, ये एक यूनिट है डीएनए का, ये दूसरा यूनिट है डीएनए का, ये तीसरा यूनिट है डीएनए का। तो डीएनए के कुछ यूनिट्स हैं, कुछ पैकेट्स हैं, कुछ हिस्से हैं जो कि हमारे करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, जीन्स कह रहे हैं। तो ये हो गया दूसरी तरह से डिफ़ाइन करना। हम एक और तरीके से इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं अगर ये जैसे डीएनए मैंने बनाया, ये वाला, ये डीएनए आगे क्या बनाएगा, ये प्रोटीन्स बनाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी आपने पढ़ा होगा, और भी दूसरे चैप्टर्स में पढ़ा होगा क्या होता है भाई, डीएनए से क्या बनता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है प्रोटीन, ठीक है, राइबोसोम्स वगैरह पे ये सारा हो रहा होता है। तो थर्ड तरीके से मैसेज डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए क्या करेगा, डीएनए से प्रोटीन बनेगी, फंक्शनल प्रोटीन जो कि फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया जीन का थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन, हम जीन को कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो अलील, अब अलील क्या होगा, अलील हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को। मतलब क्या, देखें हमारे पास हर क्रोमोसोम के दो पेयर्स होते हैं, ठीक है। अगर ये क्रोमोसोम मिसाल के तौर पर कंसीडर कर लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, ये बात ऐसे ही होती है, क्रोमोसोम 7 है, ठीक है, कोई और क्रोमोसोम भी हो सकता है। तो ये क्रोमोसोम 7 का एक हिस्सा, एक दो पेयर होंगे क्रोमोसोम 7 के, एक जो है ये आएगा फादर से, एक आएगा मदर से, तो ये क्रोमोसोम 7 कम्प्लीट होगा, पेयर बनाएगा। अब क्रोमोसोम 7 पर अगर यहाँ पर जीन लगी हुई है मिसाल के तौर पर आई कलर की, तो ये मैटरनल साइड से भी जीन आएगी आई कलर की, तो हो सकता है फादर की साइड से आई कलर की आए, ब्राउन आई कलर की आ गई, मदर से ब्लैक आई कलर की आ गई, ठीक है, या इसको थोड़ा सा हम चलें, ठीक है, ब्राउन और ब्लैक से हम आप कर लें। तो अब इसमें ये हो सकता है कि अब क्रोमोसोम 7 को मैंने बता दिया, ठीक है, ये आ गई हमारे पास जीन्स। अब अलील क्या होगा, देखिए ये एक जीन है, ये दूसरी जीन है, तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, मतलब ये अगर हम जीन, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ये इसको ये वाली जीन जो है इसकी, ये जो है अलील है और इसकी ये वाली अलील है। मतलब क्या कि आई कलर यहाँ पर भी, आई कलर यहाँ पर भी है, तो हम, मैं अगर इसको 1 कह लूँ, इसको 2 कह लूँ, तो 1 के लिए ये 2 क्या होगा, अलील होगा, 2 के लिए 1 क्या होगा, अलील होगा। इनके ऑल्टरनेट फॉर्म्स है, इसी मतलब आई कलर को कंट्रोल करने वाली दो चीज़ें हैं, तो एक चीज़ की दूसरी चीज़ जो है वो ऑल्टरनेट फॉर्म है, और दूसरी चीज़ की पहली चीज़ उसके लिए क्या है, ऑल्टरनेट फॉर्म है, तो ये अलील कहलाता है। तो ये होगी थोड़ी सी भाई बेसिक बेसिक सी चीज़ें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, मैं बुक में स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स की डेफिनेशन बताई है। जेनेटिक्स में क्या होता है कि इनहेरिटेड करेक्टर्स, मतलब क्या, जैसे फादर से अगर मिसाल के तौर पर हमें आई कलर आया, ब्लैक आई कलर आया फादर से या मदर से, फादर से कंसिडर कर लें, तो उसने क्या किया, फादर ने इनहेरिट किया अपने बच्चों में आई कलर, तो इनहेरिटेड उसने क्या किया, इनहेरिटेड करेक्टर्स हुए, तो ये हम इसमें पढ़े होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। देर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब क्या, किस पैटर्न में है, मतलब क्या, इसको चीज़ थोड़ा सा आगे समझते जाएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं डोमिनेंट करेक्टर्स, कुछ होते हैं रिसेसिव। मिसाल के तौर पर फादर से आता है हमारे पास ब्राउन कलर आई के लिए और मदर से आता है ब्लैक कलर आई के लिए, तो हो सकता है, तो अब आप कहें कभी कौन सा शो होगा, तो हो सकता है ब्राउन शो हो जाए, तो ब्राउन को हम जीन तो दोनों के हैं, ठीक है, तो अगर ब्राउन शो हो गया तो ये ब्राउन क्या कहलाएगा, डोमिनेंट करेक्टर, और जो ब्लैक है ये क्या कहलाएगा, रिसेसिव करेक्टर। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, इसका मतलब ये है कि किस पैटर्न में डोमिनेंट रिसेसिव किस पैटर्न में आ रहा है, और कॉजेज ऑफ वेरिएशन, मतलब जीन्स आगे जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर नया बनाता हूँ, कैसे क्या होता है, अब दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, देखें फादर से, फादर का स्पर्म और
मदर का एग ये मिक्स हो रहा है, तो मिक्स होने के बाद एक नई चीज़ बनेगी। दो चीज़ों का मिक्स कर दें तो एक नई चीज़ बनती है। वैसे ही फादर का जेनेटिक मटेरियल मदर का जेनेटिक मटेरियल मिक्स होता है तो अगली जनरेशन बनती है। तो दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं तो वेरिएशन आएंगी, कुछ नई चीज़ें आएंगी, तो वो हम पढ़े होते हैं। उसके कॉजेज़ क्या हैं, कैसे होता है, तो क्या क्या चीज़ें पढ़ें भाई? इनहेरिटेड करेक्टर्स पहली चीज़, ठीक है। दूसरा क्या है? पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, किस पैटर्न में आ रही डोमिनेंट रिसेसिव ये, और कॉजेज ऑफ वेरिएशन, अगर वेरिएशन जो आ रही हैं किस वजह से आ रही हैं। तो तीन चीज़ें पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंडर। अब मेंडल, मेंडल मेन बंदा है जिसने जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया, पहले भी काम हुए बट मेंडल का मेन काम है। मेंडल क्या किया था, इसका पूरा नाम है ग्योर्जो जॉन मेंडल, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑर्गेनाइज एक्सपेरिमेंट्स, और इससे लॉजिकल जो है रिजल्ट निकाले। इन्होंने एक चॉइस की, इनका जो मेन सक्सेस का रीज़न है वो इनकी चॉइस है। इन्होंने क्या चॉइस किया, इन्होंने एक प्लांट चूज़ किया जिसका नाम है पाइसम सेटिवम, और इसको पी प्लांट भी कहते हैं, पी प्लांट, ठीक है। वो इन्होंने चूज़ किया और उसको, उसके ऊपर पूरा स्टडी किया इन्होंने। अब इसका रीज़न क्या, आपसे सवाल पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि पी प्लांट क्यों स्टडी किया, तो ये इसके चार पांच रीज़न भी मेंशन है। एक है ईजी टू कल्टीवेट, मतलब इसको उगाना क्या है आसान है। उसके बाद क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब क्या कि ये, इसके पास अगर ये प्लांट है, ठीक है ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, इसके पास मेल पार्ट भी होगा फीमेल पार्ट भी होगा, ठीक है, तो ये अपना अपनी ही क्या कर लेता है, पॉलिनेशन, मतलब मेल का स्पर्म जो है, मेल का स्पर्म जो है वो फीमेल के पास जाएगा और क्या हो जाएगी, पोलिनेशन होगी, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी। तो इसके बाद क्यों, क्योंकि इसके बाद मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों मौजूद है, तो सेल्फ पोलिनेशन करता है। तो अब आप कहें कि भाई ये क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा सेल्फ पोलिनेशन? देखिए सेल्फ पोलिनेशन का फ़ायदा ये है कि अगर हम कोई चीज़ को पढ़ना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई प्लांट है, ये प्लांट आ गया कोई, ठीक है, इसके पास सेल्फ पोलिनेशन की एबिलिटी ना हो, ये क्रॉस पोलिनेशन मतलब बाहर से पोलिनेशन करता हो, तो कोई और प्लांट है, ये और प्लांट है, ये और प्लांट है, तो अब अगर इसकी पोलिनेशन हुई है तो हमें क्या पता कि इस प्लांट से पोलिनेशन हुई, इस प्लांट से पोलिनेशन हुई या इस प्लांट से पोलिनेशन हुई, क्योंकि वो तो हवा के ज़रिए होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चल नहीं सकता। तो हम अगर सेल्फ पोलिनेशन हो रही है तो हमें पता है इसी का मेल पार्ट ने इसी के फीमेल पार्ट से पोलिनेशन की है, तो वो सेल्फ पोलिनेशन है। हम इसके जेनेटिक्स बेसिस पे जा सकते हैं क्योंकि हमें पता है, इसका फ़ायदा ये। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है, बिग साइज फ्लावर है, फ्लावर का साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो आसानी है पढ़ने में। उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन जो हम कर सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन वही जो किसी और प्लांट के साथ करें हवा के ज़रिए, वो क्रॉस पोलिनेशन होगी हवा के ज़रिए, इंसेक्ट के ज़रिए, कोई और ज़रिए से हो सकता है, तो वो क्रॉस पोलिनेशन आर्टिफिशियली मतलब हम चाहें तो वो करा सकते हैं। तो अपनी मर्जी से क्रॉस पोलिनेशन कराना है तो हमें पता होगा हमने किससे क्रॉस पोलिनेशन कराई, हम उसको स्टडी कर सकते हैं, तो वो भी आर्टिफिशियली इसमें हो सकती है। उसके बाद और क्या है, वेल शार्पली डिफाइंड कंट्रास्टिंग करेक्टर, कंट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब यह है कि बहुत अलग अलग तरह के करेक्टर्स, बहुत डिफरेंट करेक्टर्स के बाद मौजूद हैं, तो अलग अलग करेक्टर मौजूद होंगे तो अलग अलग स्टडीज़ में बहुत डीप में हम पढ़ सकते हैं। और दूसरा क्या कि जब क्रॉस पोलिनेशन हो रही है, मतलब बाहर किसी और प्लांट के साथ पोलिनेशन कर रहा है, तो उसके फर्टाइल हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है, मतलब क्या कि जो आगे ऑफस्प्रिंग, आगे जो जो बर्ड है उसकी जनरेशन वो क्या होगी, फर्टाइल होगी। तो इसमें ये सारे फ़ायदे। अब क्या क्या है हम दोबारा लिस्ट कर लेते हैं भाई। सबसे पहले इजी टू कल्टीवेट पहला, दूसरा क्या है सेल्फ पोलिनेशन करता है, तीसरा क्या है क्रॉस पोलिनेशन आराम से हो सकती है, चौथा क्या है बिग साइज फ्लावर है, उसके बाद क्या है कंट्रास्टिंग अलग अलग करेक्टर है, पांच हो गए, और जो क्रॉस पोलिनेशन से आ रहे हैं वो क्या है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है। छह करेक्टर्स इसके ये आपके पास आ गए हैं। अब इनको आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा भाई, अब आगे क्या है, अब इसने क्या क्या पढ़ा, पी प्लांट में कुछ करेक्टर पढ़े इसने, कौन कौन से करेक्टर हैं, सात करेक्टर हैं। अब डोमिनेंट रिसेसिव का थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, लेकिन डोमिनेंट वो चीज़ है जैसे मिसाल के तौर पर हमारे फादर से, हमारे फादर ये जीन है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, हमारे फादर यहाँ पर लगा हुआ है आई कलर और यहाँ पर भी लगा हुआ है आई कलर, तो ये फादर से आया, ये मदर से आया, ठीक है। तो जो फादर से अगर आई कलर आ रहा है, मिसाल के तौर पर मैं इसको लिख लेता हूँ ब्लू लिख लेता हूँ, और मदर से आ रहा है ग्रे, ठीक है, या आप इसे ना ये ना सोचेंगे कि ब्लू और ग्रे कैसे हो सकता है, बस फिलहाल आप समझने की कोशिश करें, ब्लू फादर से आ रहा है आई कलर और ग्रे क्या आ रहा है मदर से। तो अगर अब दोनों आ रहे हैं, कोई एक आएगा जा रहा है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे में आधे बाल ब्लू आधे ग्रे हो, तो बच्चे में या तो आधे आई का कलर आधा ब्लू हो या आधा ग्रे हो, तो या तो बच्चे में आई का कलर ब्लू होगा या तो ग्रे होगा, एक होगा। तो अब एक एक जो होगा आई कलर, अगर मिसाल के तौर पर इसमें ब्लू हो गया तो हम ब्लू जो है कहेंगे डोमिनेंट है, ठीक है, और अगर ग्रे हो गया तो हम कहेंगे ग्रे डोमिनेंट है। अगर अब मिसाल के तौर पर ब्लू हो गया तो ब्लू डोमिनेंट है, अब ग्रे नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, रिसेसिव कहलाएगा। अब इसको शो कैसे करते हैं, जो डोमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और उसी का रिसेसिव है जैसे ग्रे है तो हम ग्रे को स्मॉल बी से शो करेंगे, क्योंकि जो कैपिटल लेटर को ब्लू से कर रहे हैं तो उसी का कैपिटल लेटर हम स्मॉल लिखते हैं रिसेसिव करेक्टर को शो करने के लिए, तो ऐसे शो होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ ये
कि अब ये क्यों लिख रहे हैं आपको अब ये आइडिया, और मैं आपको समझाऊं कि ये दो जीन है, एक करेक्टर के लिए जैसे मैंने बताया, एक करेक्टर के लिए एक जीन फादर से आ रहा है और एक जीन मदर से आ रहा है, दो जीन है, दोनों जीनों को हम दोनों जीन्स को हमको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे हम बी कैपिटल बी और स्मॉल बी इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा अब मैं थोड़ा सा आपको और कॉन्सेप्ट दूँ कि अगर मिसाल के तौर पर किसी में अगर इसके फादर में जो आई कलर का जीन है वो भी ब्लू होता और मदर में भी आई कलर का जीन होता ब्लू, तो ज़्यादा बच्चे में ब्लू ही आना था, तो ये क्या हुआ एक्चुअली, ये हुआ तो डोमिनेंट करेक्टर, तो बच्चे में क्या गया, हम दोनों कैपिटल बी लिख देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं, जो शो हुआ है वही जीन था, तो दोनों कैपिटल बी लिख देंगे। अब ये क्या कहलाएगा, ये डोमिनेंट तो है मगर होमोजाइगस, होमो का मतलब सेम, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे पिछली एग्जांपल थी कि फादर से आया ब्लू आई कलर और मदर से आया ग्रे आई कलर, तो हम लिखेंगे क्योंकि अब ब्लू शो हुआ तो हम लिखेंगे कैपिटल बी और इसके स्मॉल बी लिख देंगे जो कि ग्रे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो है तो बी डोमिनेट है मगर इसको क्या कहेंगे, ये ब्लू कलर जो है हम इसमें कहेंगे कि ये हेट्रोजाइगस डोमिनेट है, मतलब क्या कि दूसरी जीन अलग थी, दूसरी जीन किसी और चीज़ के लिए थी मगर डोमिनेट तो है, शो तो वही हो रहा है ब्लू, मगर ब्लू कलर का हेट्रोजाइगस डोमिनेट है, तो इसके पास दूसरी जीन जो है वो ब्लू की नहीं है, जो मदर से आई है वो किसी और चीज़ की जीन है मगर वो शो नहीं हो पाई तो इसलिए हेट्रोजाइगस डोमिनेट है, दो चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर कुछ जीन्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट होने के लिए दोनों दोनों फादर मदर से दोनों से जीन का आना ज़रूरी है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि हम कलर ले लेते हैं ब्लैक कलर, ब्लैक कलर आई कलर फादर से आया और ब्लैक ही मदर से आया, तो अब इसको एक्सप्रेस होने के लिए दो जीन्स आए थे, एक जीन से इसका काम नहीं चल रहा था, अगर फादर से कोई और कलर आ जाता तो वो एक्सप्रेस हो जाता, फादर से अगर मिसाल के तौर पर ब्लू आ जाता तो ब्लू एक्सप्रेस हो जाता, तो इसके दोनों जीन आए तो हम दोनों को लिखेंगे स्मॉल बी और ये क्या होगा, ये होमोजाइगस मतलब सेम जीन है और होमोजाइगस रिसेसिव है, मतलब क्या कि इसके दो जीन एक करेक्टर आने के लिए दोनों जीन फादर और मदर दोनों से वो आने चाहिए थे तब जाके वो करेक्टर शो होता अगले ऑफस्प्रिंग में, तो दोनों को हम स्मॉल लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वो रिसेसिव है डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट का मतलब है कि एक जीन भी आ गया तो काम बन जाएगा, तो रिसेसिव है और रिसेसिव भी कैसे होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। अगर तीन टर्म आपको समझ आए और थोड़ा सा और क्लियर होता जाएगा, हम आगे पढ़ते जाएंगे, मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है, आगे पढ़ते जाएंगे और क्लियर होता जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं आगे, मेंडल ने क्या किया कि प्लांट्स के सीड्स को, इसने जो ऊपर सात करेक्टर हैं मैं आपको बताता हूँ, ये इसने स्टडी किया है ये पी प्लांट में, क्या क्या कि इसका टॉल और शॉर्ट, मतलब पी प्लांट में डोमिनेंट करेक्टर क्या है, टॉल, डोमिनेंट का मतलब क्या कि ये ज़्यादा टॉल प्लांट्स हैं इसके और कुछ प्लांट शॉर्ट भी हैं, तो ये डोमिनेंट हो गया टॉल वाला और रिसेसिव हो गया शॉर्ट वाला, ऐसे ही राउंड और रिंकल्ड, ऐसे येलो और ग्रीन, डोमिनेंट येलो है, ऐसे ग्रीन और वाइट, ठीक है, ये क्या है जो राउंड जो है ये सीड शेप है, येलो जो है ये सीड कलर है, सीड कोट का कलर ग्रीन या वाइट, या पॉट शेप का कलर इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ या कंस्ट्रिक्टेड या दबा हुआ, या पॉट कलर का क्या होगा ग्रीन या येलो, या फ्लावर पोजीशन का एक्सियल या टर्मिनल, तो ये सात चीज़ें इसने देखी, और जो ऊपर वाले हैं ये सारे डोमिनेंट है और नीचे वाले रिसेसिव, डोमिनेंट का मतलब क्या है कि ज़्यादातर प्लांट, मिसाल के तौर पर 1000 प्लांट है तो 800 ये वाले करेक्टर शो करे होंगे और 200 ये करेक्टर शो करे होंगे, तो डोमिनेंट का मतलब ये, ठीक है, और डोमिनेंट का मैं कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिया कि वो जो एक पर्टिकुलर जीन है जो कि कैपिटल लेटर से शो करें इसके अंदर वो कहीं ना कहीं मौजूद होगी, और रिसेसिव का हमेशा शो होने के लिए दोनों जीन्स फादर और मदर दोनों से आनी चाहिए वो स्मॉल लेटर वाली। अच्छा मेंडल ने अब इन चीज़ों को इन प्लांट्स में स्टडी किया, इसने क्या प्लांट सीड्स किए हुए डिफरेंट कंट्रास्टिंग करेक्टर के ऊपर हम देख चुके हैं सारे अलग अलग करेक्टर को कंट्रास्टिंग करेक्टर कहते हैं, और उसके बाद इसने इनको पढ़ा, उसके बाद एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इसने प्योर ब्रीड ऑफ दिस प्लांट, प्योर ब्रीड का मतलब ये है कि इसने प्योर जीन्स लिए, ये हम आपको सारा, ठीक है, ये आपको चार्ट के जरिए देखते हैं आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा अब मैं आपको नीचे क्रॉस समझा देता हूँ, काफ़ी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी। अच्छा यहाँ हम देखते हैं क्रॉस को, एक्चुअली क्या किया इसने, मिसाल के तौर पर इसने, हम यहाँ से कोई करेक्टर उठाते हैं इस चार्ट से, टॉल और डॉफ का उठा लेते हैं या ग्रीन और वाइट या येलो और ग्रीन का उठा लेते हैं सीड कलर का, ठीक है, सीड कलर येलो या ग्रीन, मैं ये करेक्टर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसने क्या किया, इसने प्योर जीन वाली, प्योर जीन मतलब क्या कि अगर येलो है तो उसके बाद दोनों जीन येलो के हों, दोनों फादर और मदर दोनों से येलो के आए हों, देखिए ऐसे भी हो सकता था कि अगर मदर से येलो ना आता, मदर से अगर ग्रीन आ जाता इसके पास,
स्मॉल वाई से लिखूंगा, क्यों? क्योंकि जो रिसेसिव है वो कैपिटल का ही लेटर तो शो करते हैं मगर स्मॉल, तो मदर से ग्रीन आता तो ये होता तो शो येलो ही, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता ग्रीन शो हो जाता, क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट करेक्टर है वो एक्चुअली येलो है, उसका जीन एक आ गया तो काम बन जाएगा। अब आप कहें कि इसको ग्रीन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ग्रीन होने के लिए जो इसका दूसरा भी है, दूसरा लेटर भी, मतलब फादर से भी स्मॉल वाई आता तो ये ग्रीन होता, क्यों? क्योंकि ये डिसेसिव करेक्टर। अच्छा, इसने लिए ऐसे प्लांट जिनके पास दोनों वाई थे, येलो, ठीक है। दूसरा कलर हम देख लेते हैं कौन सा है इसके पास, आई थिंक ग्रीन है दूसरा कलर, येलो और ग्रीन, ठीक है। ग्रीन जो है वो रिसेसिव है, ये सीड कोट का कलर है। अच्छा, अब जो सीड कोट का कलर दूसरा क्या है, दोनों बाय होंगे उसमें, ग्रीन है। अब इसने क्या किया, इनको क्रॉस कराया। क्रॉस क्या था एक्चुअली, कि यहाँ से एक आएगा, एक क्रोमोसोम, यहाँ से क्रोमोसोम आया और आपस में क्रॉस हो गए, तो क्या बनेगा एज अ रिज़ल्ट बनेगा इस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये कलर कौन सा शो करेगा, एक्चुअली येलो ही शो करेगा, जैसे मैंने बताया कि अगर कैपिटल वाला आ गया, वो डोमिनेंट करेक्टर है, तो वही शो होगा, तो येलो कलर शो हो गया भाई। अब इसने क्या किया, अच्छा, इसको हम कह रहे थे ये जो ऊपर वाले थे ये पेरेंट्स से, ठीक है, इन्हीं से कंटिन्यू आगे चल रही जनरेशन, तो P1। अब ये जनरेशन बनी, ये क्या है, इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन, ठीक है, मतलब फर्स्ट जनरेशन है ये। अब इसने फर्स्ट जनरेशन को भी आपस में क्रॉस कराया, मतलब क्या कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इसने एक और कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला लिया, आपस में क्रॉस करा दिया। अब क्रॉस का हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्रॉस में हम एक बॉक्स बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हम ऐसे रखें यहाँ पर, ये आप समझें फादर की है जीन्स और ये मदर की हैं, तो फादर की एक जगह रख दें, मदर की एक जगह, फादर की मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको हम करना पड़ेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और मदर की यहाँ रख देते हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कहीं भी आप अगर मदर की यहाँ रखना चाहें यहाँ रख सकते हैं। अच्छा, अब इनको क्रॉस कराया, या ये कैपिटल वाई से क्रॉस हुआ तो दोनों कैपिटल वाई आए, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस हुआ तो एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई आया, ये स्मॉल वाई ये कैपिटल वाई से क्रॉस हुआ तो एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई आया, और ये स्मॉल वाई कैपिटल वाई से क्रॉस हुआ तो ठीक है, ये तो ठीक है, तो ये स्मॉल वाई से क्रॉस हुआ तो ये क्या आएगा, दोनों स्मॉल वाई। तो अगर आप गौर करें तो ये वाला क्या होगा, ये एक्चुअली येलो ही शो होगा, तो इसके पास भी एक कैपिटल वाई, ये भी येलो शो होगा, इसके पास भी एक कैपिटल वाई, ये भी येलो शो होगा, इसके पास दोनों स्मॉल वाई हैं, ये ग्रीन शो होगा। तो आप अगर रेशो लिखना चाहें ग्रीन टू येलो टू ग्रीन का, तो क्या होगा, वो 3:1 शो होगा, मतलब तीन जो हैं वो येलो हैं और दो क्या हैं, दो ग्रीन है। तो अगर आप, ये तो हो गया इसका फिनोटिपिक रेशो। अब ये वाली टर्म भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिनोटिपिक क्या होती है एक्चुअली, फिनोटाइप वो होता है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका नज़र क्या आ रहा है, हमें तीन येलो नज़र आ रहे थे, हमने 3 लिख दिया, एक ग्रीन नज़र आ रहा था, हमें एक ग्रीन लिख दिया, तो ये इसका रेशो बन गया फिनोटिपिक। अगर जीनोटिपिक का मतलब यह है कि क्या कि हमें नज़र तो ग्रीन नज़र तो येलो आ रहा है, मगर उसके जीन्स कैसे हैं। येलो होने के लिए ये भी हो सकता है कि दोनों कैपिटल वाई हों, ये भी हो सकता है एक कैपिटल वाई हो एक स्मॉल वाई हो, क्योंकि येलो क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है, तो एक भी अगर कैपिटल वाई आएगा तो इसका काम चल जाएगा, तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो हम अब इसको पढ़ने के लिए जीनोटिपिक रेशो, तो वो ऐसा होगा, देखें ये दोनों कैपिटल वाई हैं, और अगर हम ये देखेंगे ये कैपिटल वाई और ये एक स्मॉल वाई, तो इस इन दोनों के क्या है, ये रेशो सेम है, मतलब इसके जीन सेम है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये सिर्फ डबल कैपिटल वाई एक है तो हम 1 लिख देंगे, और एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले कितने, दो हैं, तो 1:2, और दोनों स्मॉल वाई वाले कितने हैं, 1:2:1, तो इसका रेशो ये बनेगा 1:2:1। ये क्या है, ये जीनोटिपिक रेशो है और ये फिनोटिपिक रेशो है, ठीक है। अच्छा, तो इसने जितने भी करेक्टर ऊपर हमने साथ पढ़े हैं सब के साथ इसने यही किया कि पेरेंट्स को लिया सबसे पहले, और पेरेंट्स कैसे थे, पेरेंट्स के पास प्योर थे, मतलब क्या कि अगर इसके पास कैपिटल वाई वाली जीन है तो दोनों कैपिटल वाई वाले होंगे, अगर स्मॉल वाली हैं दोनों स्मॉल वाई वाले होंगे। इसके पास ऐसा नहीं था, हेटरोजाइगस कंडीशन नहीं थी कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ऐसा नहीं था, इसने पेरेंट्स ऐसे चूज़ किए जो प्योर थे, दोनों जीन एक जैसी थी, उनको क्रॉस कराया, F1 जनरेशन बनी, F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया, और अगली जनरेशन को कहते हैं F2 जनरेशन, तो उसका रेशो सबके साथ उसको यही मिला, 1:2:1 जीनोटिपिक और 3:1 फिनोटिपिक रेशो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस है इसका। अच्छा, अब इस चार्ट में देखते हैं, यही चीज़ें मेंशन है, जिसने टॉल और डॉर्फ को क्रॉस कराया, टॉल क्या था, डोमिनेंट था, और डॉर्फ क्या था, रिसेसिव था। तो क्या हुआ, पहली जनरेशन में क्या आ रहे थे, सारे डोमिनेंट करेक्टर आ रहे थे, तो ऑल टॉल आए, और रेशो क्या बना, रेशो इसका ये जो, अगर आप इसका रेशो निकालें जो F2 जनरेशन का आपस में कराया, तो वही बनेगा जीनोटिपिक रेशो जो है वो इसका बनेगा, तो 1:2:1, और फिनोटिपिक है 1:3:1, ठीक है। अब ये सारे इसने, इनके जितने भी करेक्टर हमने ऊपर पढ़े हैं सब के साथ इसने यही किया, ऐसे ही क्रॉस कर, इसको रिजल्ट ऑलमोस्ट मोर लेस सिमिलर रिजल्ट मिले,
ठीक है, अब यही मेंशन है आफ्टर क्रॉसिंग इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया, वही ए की तरह की रेशो आए। उसके बाद वन ऑफ द टू एक्सप्रेस कम्प्लीटली, ठीक है, जो दो जीन्स है जैसे मैंने बताया था, दो जीन्स होते हैं, अगर यहाँ पर टॉल का लगा हुआ था या डॉफ का था, एक एक्सप्रेस हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि टॉल और डॉफ दोनों एक्सप्रेस हो गए, तो ये तो टॉल आएगा या तो छोटा आएगा, तो एक जीन जो है वो एक्सप्रेस हुआ, दूसरा क्या हो गया, कम्प्लीटली दब गया। एक यही मेंशन है, वन ऑफ द टू एक्सप्रेस कम्प्लीटली इन द ऑफस्प्रिंग व्हाइल द अदर डिड नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, एक एक्सप्रेस हुआ और दूसरा एक्सप्रेस नहीं हुआ, और जो एक्सप्रेस हो गया उसको क्या कहते हैं डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ उसको क्या कहते हैं रिसेसिव। ठीक है, अच्छा, अब फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इसने ड्राइव किया लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ बनाया विच स्टेट दैट इन हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब इम्प्योर, हाइब्रिड का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, ठीक है, तो ये प्योर जीन्स नहीं है, दोनों एक जैसी जीन्स नहीं है। कंडीशन इन हाइब्रिड कंडीशन में क्या होगा, ओनली वन करेक्टर एक्सप्रेस, यही मैंशन है कि देखें अगर इस कंडीशन में देखें तो सिर्फ येलो आ रहा है ना, ग्रीन तो नहीं आएगा, तो हाइब्रिड कंडीशन में एक ही करेक्टर एक्सप्रेस होगा कम्प्लीटली और दूसरा क्या होगा मास्क हो जाएगा, दब जाएगा। तो जो करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है इम्प्योर कंडीशन मतलब कि हाइब्रिड कंडीशन में, उसको कहते हैं डोमिनेंट, ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ, जो नहीं हो रहा उसको कहते हैं रिसेसिव। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ लें तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, इसने आगे प्रोसीड किया, वही मेंशन है जो मैं आपको नीचे समझा चुका हूँ, वही अब थ्योरी में मेंशन है। इसने आगे फर्स्ट जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया और एफ टू जनरेशन मिली जिसका रेशो क्या था 3:1, 3:1 क्या था फिनोटिपिक रेशो इसका था। अच्छा, अब इसके बाद जीनोटिपिक 1:2:1 होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, मेंडल ने और ये भी एक्सप्लेन किया कि ईच ऑर्गेनिज्म कंटेन टू फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है जीन्स, ठीक है, वही जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत देर से कि हर करेक्टर के लिए जीन्स होती हैं, एक फादर से या एक मदर से, आई कलर तो आई कलर के दो जीन होंगे, फादर से एक मदर से, जो आई कलर शो होगा वो डोमिनेंट होगा हो जाएगा, जो नहीं शो होगा वो रिसेसिव हो जाएगा। तो ये मेंशन किया कि फैक्टर का मतलब जीन है, कि दो जीन्स होती हैं हर ट्रेड के लिए, जो भी आई कलर और ट्रेड का मतलब कोई भी करेक्टर है, एक कहाँ से आती है फादर से, एक आती मदर से, और दे में भी सिमिलर, वो एक जैसी भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आई कलर दोनों से ब्लैक का आ गया, मगर ये भी हो सकता है आई कलर एक तरफ से कोई और आए, मदर से कोई और आए, तो ये मेंशन है ये सिमिलर भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब ड्यू टू लॉजिकल माइंड, उसको लॉजिकल माइंड था, मेंडल ने क्या किया, एक जनरलाइज, एक जनरल हर चीज़ को देखते हुए एक एक्सप्लेनेशन दी, जो उसने पढ़ा, जिसको हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उस पूरे एक्सप्लेनेशन को। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते हैं, इसकी स्टेटमेंट आपसे काफ़ी पूछी जाती है और शॉर्ट क्वेश्चन में क्रॉस वगैरह भी बनाना आते हैं, जो हम क्रॉस देख चुके हैं बुक में, जो क्रॉस मेंशन है वो भी देख लीजिएगा, वही बनाए तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस चीज़ से डील करती है, विद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ओनली वन करेक्टर ऑफ ट्रेड, मतलब क्या कि वही जो हमने पढ़ा है, मैंने आपको क्रॉस में पढ़ाया कि एक करेक्टर हमने लिया था कौन सा, येलो और ग्रीन प्लांट्स का, और उनको आपस में क्रॉस कराया था, तो ये क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्रिया, हमने आपस में क्रॉस कराया, एक करेक्टर को क्रॉस कराया। ठीक है, ऐसे भी हो सकता था कि हम टॉल और डॉफ वाला करेक्टर भी ले लेते, येलो और ऑरेंज ग्रीन वाला भी करेक्टर ले लेते, तो दो दो करेक्टर को क्रॉस कराते, वो बाद में आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमने पी प्लांट का एक करेक्टर चूज़ किया, उसको आपस में क्रॉस कराया रिजल्ट देखे। ठीक है, यही मेंशन है। उसके बाद क्या है, इसलिए एक करेक्टर को क्रॉस कराया तो क्या करें, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो का मतलब वन होता है। इन दिस वे इट एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड, सिंगल ट्रेड की इनहेरिटेंस मतलब एक जो खसूसियत है, या टॉल और डॉफ या येलो और ग्रीन, तो ये सिंगल जो एक ट्रेड है, एक करेक्टर है, इसकी इनहेरिटेंस आगे कैसे जा रही है अगली जनरेशन में, इसको एक्सप्लेन करता है। अब ये लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है फैक्टर ऑफ ईच ट्रेड, फैक्टर मतलब जीन है, सेग्रीगेट क्लीनली ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मतलब क्या, देखिए हमने पढ़ा था कि जब येलो था, और हमने ऐसे पढ़ा था, देखें ये था हमारे पास, जब येलो था इसका सीड कोट येलो कलर का, ये जीन था, जीनोटाइप था, और जो ग्रीन था उसका डबल स्मॉल वाई था, तो ये जो आपस में क्रॉस करने लगे थे, तो ये दो येलो अलग हो गए थे और दो ग्रीन अलग हो गए थे। ठीक है, और ये एक एक ने आपस में क्रॉस करके फिर क्या बना था, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो एक सिंगल सिंगल ने क्रॉस किया था, तो दोनों अलग हो रहे हैं, ये अलग हो रहा है, ये अलग, ये अलग हो रहा है, ये अलग, तो इसको क्या कहते हैं, गैमेट फॉर्मेशन। तो ये मेंशन है कि हर ट्रेड का जो ऑल दो रहते तो ये पेयर की फॉर्म में, मगर जब गैमेट बनते हैं, गैमेट का मतलब कि जैसे स्पर्म है, जैसे एग है, क्या है, गैमेट है, तो गैमेट बनते हैं उसमें क्या हो जाता है कि वो गैमेट फॉर्मेशन में ये दोनों जो जीन्स हैं अलग हो जाते हैं, सो दैट ईच गैमेट कंटेन, जो हर गैमेट है उसके पास एक जीन हो ऑफ अ ट्रेड। मतलब क्या कि अगर गैमेट का आप देखें, ये वाला ये गैमेट है, ये कैपिटल वाई, ये गैमेट है, ये भी कैपिटल वाई, ये गैमेट है स्मॉल वाई, ये भी गैमेट है स्मॉल वाई, तो अगर आप देखें तो ये जो कैपिटल वाई जो गैमेट है, इसके पास एक ही ट्रेड है, क्या ट्रेड है कि भाई येलो है, ये भी देखें एक ही ट्रेड है, मतलब एक ही जीन है, क्या है येलो है, इसके पास भी एक ही जीन है, क्या है स्मॉल वाई है, तो ये ग्रीन है, इसके पास भी एक ही ट्रेड है, क्या है ये ग्रीन है, तो इनके पास एक ही फैक्टर होता है, एक ही जीन होता है और एक ही ट्रेड का होता है, तो ये मेंशन है। उसके बाद इस लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्यों,
क्योंकि ये गैमेट प्योर है, मतलब सिंगल है, ये ऐसे नहीं है कि दो चीज़ें शो कर रहे हैं। देखिए ठीक है, दो चीज़ें कैसे शो करते हैं, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दो चीज़ें शो कर रहा है ना, ये शो कर रहा है हमारे पास येलो को, स्मॉल वाई शो कर रहा है ग्रीन को। ऑल दो अगर येलो डोमिनेंट है तो शो तो वही होगा, मगर उसके हम अगर जीन्स में जाके देखें तो प्योर नहीं है। उसके बाद एक ग्रीन का भी करेक्टर मौजूद है, तो ये प्योर हैं, ये एक ही करेक्टर को रख रहे हैं, तो इसलिए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कह रहे हैं। बिकॉज आगे मैंशन है, इसको मैं बता दूँ, बिकॉज ईच गैमेट कंटेन ओनली वन फैक्टर, फैक्टर का मतलब जीन है, सिर्फ एक जीन है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें मैं आपको थोड़ी इंग्लिश कर देता हूँ। ये क्या कह रहा है कि जब भी गैमेट बनते हैं तो जीन क्या हो जाती है, सेग्रीगेट, मतलब जीन्स क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं गैमेट के टाइम, ताकि गैमेट के पास एक जीन हो उस स्टेट के लिए। ठीक है, ये जीन्स कह रहे हैं अलग हो रही हैं ताकि एक एक ही जीन जाए उस स्टेट के लिए गैमेट के पास, और गैमेट क्या हो, प्योर हो, तो इसलिए कह रहे हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। से दो तीन बातें हैं जो कि इसने अपने स्टेटमेंट में शो की, तो इस स्टेटमेंट को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये इसका पहला लॉ था, एक दूसरे लॉ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसका क्रॉस है, जो मैंने आपको क्रॉस नीचे बताया, अब वो बुक में इन्होंने शो किया है कि राउंड शीट और रिंकल शीट, अगर हम चार्ट में देखें दोबारा, जो उसने सात करेक्टर पढ़े थे, तो उसमें ये देखें, ये वाला जो करेक्टर है ये राउंड शीट, ये क्या है, डोमिनेंट है, और रिंकल क्या है, ये है रिसेसिव करेक्टर। मैंने आपको किसी से समझाया, मैंने आपको समझा दिया है येलो और ग्रीन से, मगर इन्होंने सीड, मैंने सीड कलर से समझाया, सीड शेप से समझा रहे हैं, तो क्रॉस वही होगा, बस इन्होंने सीड शेप का ले लिया। तो आप भी अगर क्वेश्चन में सीड शेप ही मेंशन कर दें, क्योंकि लिखना तो है ही क्रॉस, तो सीड शेप का बुक में तो वही मेंशन करते हैं, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इन्होंने अब कंसीडर किया कि जो राउंड है उनको ये ले रहे हैं आर, ठीक है, आर से राउंड आता है। तो मैंने वो बताया था कि जब स्टार्ट में पेरेंट्स लेते हैं तो हम ऐसे लेते हैं कि दोनों के पास सेम जीन हो, तो डबल आर लेंगे और दोनों को स्मॉल आर लेंगे। डबल आर क्या है, ये राउंड है, ठीक है, और ये राउंड भी कौन से, होमोजाइगस, होमोजाइगस क्योंकि इसके पास दोनों राउंड होने के जीन है। तो अगर ये होता आर और स्मॉल आर तो ये होता तो राउंड, मगर हेट्रोजाइगस राउंड होता, क्यों, क्योंकि इसके पास एक राउंड होने की जीन है और एक रिंकल होने की जीन है, मगर राउंड डोमिनेंट है तो ये हेट्रोजाइगस राउंड है, ठीक है। और ये भी क्या, ये होमोजाइगस रिंकल्ड है क्योंकि सेम जीन्स हैं इसके पास, और जो रिसेसिव करेक्टर होता है हमेशा होमोजाइगस होगा तो ही हो, वो शो होता है, हेट्रोजाइगस हो तो एक उसके बाद डोमिनेंट आ जाए तो वो शो नहीं हो पाता। अच्छा, इन्होंने क्या किया, ये वाले ले लिए डबल आर और ये डबल स्मॉल आर, ये गैमेट बने, ठीक है, मैंने बताया था जैसे एक एक अलग हो गया, एक आर अलग हो गया, यहाँ से भी एक एक आर अलग हो गया, गैमेट्स बन गए, फिर ये आपस में एक मिल गया। एक्चुअली सारे क्रॉस करते हैं, देखिए ये जो है ये से क्रॉस करेगा तब भी कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, उसके बाद यही वाला ये आखिर वाले से क्रॉस करेगा तब भी कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, ये तो उन्होंने शो किया हुआ इसके साथ, और ये वाला इसके साथ भी क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। तो चार रिजल्ट हमें निकले, अगर आप गौर करें तो चारों के पास एक कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इन्होंने सिर्फ एक शो कराते हैं ज़्यादातर, ताकि इतना ज़्यादा हम एक्सपेंड ना करें चीज़ों को, सब जब एक जैसे बनने हैं तो एक ही शो करा दें, ठीक है। जब एक ही बन गया तो ये क्या हो गई, एफ1 जनरेशन हो गई कैपिटल आर स्मॉल आर, मगर होगा क्या, राउंड होगा, क्योंकि कैपिटल आर मौजूद है, कैपिटल आर क्या डोमिनेंट है और डोमिनेंट राउंड है, तो एफ1 जनरेशन में ये आ गया। अब एफ1 जनरेशन भी आपस में हम क्रॉस कराते थे, तो हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब यही कि इसके पास एक राउंड होने की जीन और एक रिंकल होने की जीन मौजूद है, इसका मतलब हाइब्रिड है, ठीक है। तो इन्होंने P2, अब आप इसको P2 भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोबारा पेरेंट्स की तरह एक्ट कर रहा है और दोबारा रिएक्ट करके अब आपस में क्रॉस होकर दोबारा अगली जनरेशन बना रहा है, तो P2 इसको कह रहे हैं। इन्होंने कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गैमेट बन गए, चारों को अलग कर देते हैं। अब इनको इन्होंने दोबारा वो बॉक्स में रखा, या इन्होंने रख लिए एक तरफ मेल के रख लिए, एक तरफ फीमेल के रख लिए, ठीक है। अगर ये कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल आर है तो ये दोनों कैपिटल आर क्या बन जाएगा, राउंड शीट। ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये क्या बनेगा, एक कैपिटल आर मौजूद है तो राउंड होगा मगर हेट्रोजाइगस होगा। ये स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर दोबारा आ रहा है तो राउंड होगा मगर ये भी क्या होगा, हेट्रोजाइगस। स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये क्या होगा, रिंकल्ड होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों स्मॉल आर आ गए। तो अगर हम इसके रेशो देखें तो इसके पास शो हो रहे हैं तीन राउंड और एक रिंकल, तो ये देखने वाले मतलब बसायरी ये शो हो रहे हैं, तो फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो देखें तो क्या है कि डबल आर, डबल कैपिटल आर एक ही है तो वन लिख देंगे, उसके बाद एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, जैसे दो हैं ये एक ये दो, ठीक है, तो हम इसको टू लिख देंगे, और डबल स्मॉल आर एक ही है तो वन लिख देंगे। तो जीनोटाइप, अगर जीन्स पर जाके देख रहे हैं तो जीनोटाइपिक रेशो ये आ रहा है, ठीक है, वही चीज़ें मैं आपको समझाई थी। अब आगे इन्होंने मेंशन किया हुआ है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत देर से। होमोजाइगस क्या है, होमोजाइगस है प्योर ब्रीड, मतलब क्या है कि इसके पास जीन सेम होते हैं जैसे मैंने बताया था, और हेट्रोजाइगस क्या है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब यह है कि एक जीन जैसे येलो का है तो एक ग्रीन का होगा, तो ये हाइब्रिड है, शो तो ज़्यादा डोमिनेंट वाला ही होगा मगर हाइब्रिड जीन है। उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो फिनोटाइप है, और जो एंड दी पेयर ऑफ डोनेटेड फैक्टर्स बाय पेरेंट्स, ठीक है, जो जीन्स हैं जो फिनोटाइप को शो कर रही हैं, उन जीन्स को अगर हम और डेप्थ में जाके देखें तो जीनोटाइप कहलाता है। मेंशन किया मैंने आगे राउंड सीट जो है, राउंड सीट होमोजाइगस इज आर आर,
कैपिटल आर वाइल राउंड सीड हेट्रोजाइगस प्लांट है जीनोटाइप क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अच्छा इस पैराग्राफ में वही मेंशन है जो मैं आपको बता चुका हूँ, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो। ये देखें, ये फिनोटिपिक रेशो मेंशन है और ये जीनोटिपिक रेशो मेंशन है। इन्होंने यही कहा है कि ही फाउंड दैट इफ़ प्लांट्स ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन में आ रहा था, ये जैसे हम येलो और ग्रीन ऐसे आ रहा था F1 जनरेशन में, इसको कह रहे हैं आपस में जब क्रॉस करा रहे हैं F1 जनरेशन को, वही बात मेंशन है जब सेल्फ पोलिनेट आपस में क्रॉस कराया तो ये रेशो हमें मिले, तो वही चीज़ें मेंशन है जो मैंने आपको समझाया है।